हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में पेच फंसा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई झुकने को तैयार नहीं, पर कोशिशें लगातार जारी भी हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात, नहीं निकला कोई भी नतीजा। शनिवार शाम को हुई बैठक के बाद कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने कहा, अभी तक कुछ भी तय नहीं, लेकिन जल्द ही सीट शेयरिंग पर साफ होगा मामला। गठबंधन की बातचीत के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन संदीप पाठक का बड़ा बयान का, 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार, हमें कम आंकने वालों को पछताना पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने वाले सवाल पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का दो टू का, मुझे पता नहीं, अजय माकन कर रहे हैं मैटर हैंडल। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई रेसलर विनेश फोगाट की हरियाणा के जुलाना में आज पहली रैली, 6 खाप पंचायतें और राठी समुदाय विनेश फोगाट का स्वागत करेंगे। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने को तैयार, ब्रजभूषण शरण सिंह ने की बीजेपी के सामने पेशकश। कांग्रेस की सूची पर हरियाणा के सीएम ने कसा तंज, बोले कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई पार्टी, उन्हें जनता और विकास से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव जीतने की जताई उम्मीद, बोले एकजुट होकर बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, करनाल विधानसभा से टिकट न मिलने को लेकर निराश थी रेणु बाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, रोहतक में चुनावी जनसभा के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ी हुंकार, कहा अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। संबोधन के दौरान सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया, बोली बीजेपी अपने विरोधियों को जेल में डालती है और केवल सत्ता की लालची है। मणिपुर के जिरीबाम में फिर से भड़की है हिंसा, कुकी और मैथई समूहों के बीच भारी गोलाबारी में 5 लोगों की मौत। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों के 3 बंकर नष्ट किए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया, सीनियर पुलिस अधिकारी भी ग्राउंड पर उतारे गए। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड, सीएम हेमंता का बड़ा फैसला, कहा घुसपैठियों पर लगेगी रोक। सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने बताया धुबरी में आबादी से ज्यादा जारी हुए थे आधार कार्ड, प्रक्रिया में कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिलने की आशंका, इसी वजह से लिया गया यह फैसला। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों से सत्ता के लिए गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जेल से अलगाववादी नेता को निकालकर मेरे खिलाफ खड़ा करना एक सियासी साजिश है। आज रामबन और बनिहाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की भी जम्मू कश्मीर में 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी हो सकता है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी घमासान तेज, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा एनकाउंटर पर केंद्र की चुप्पी का मतलब है कि ठोको नीति का समर्थन करती है। राहुल गांधी ने यूपी में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ एक्शन, केंद्र ने ट्रेनी आईएएस के पद से हटाया, यूपीएससी पहले ही कर चुका है बैन। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का बड़ा ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान ट्रेन से करीब 4 करोड़ रुपए का सोना चांदी और कैश बरामद किया गया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी, 8 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस टीम और अन्य राहत दल मौके पर तैनात, अब तक 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हर मिलाप टावर का बायां हिस्सा ढह गया, फिलहाल एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की टीम चला रही बचाव अभियान। बिल्डिंग के पास खड़ा एक ट्रक भी चपेट में आया, वहीं बिल्डिंग गिरने से मौके पर मच गई थी भगदड़। ढहे हुए हिस्से में घुसने के लिए गैस कटर का राहत कर्मी कर रहे इस्तेमाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार प्रदर्शन, पहले नंबर पर रहे ईरानी एथलीट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद जैवलिन थ्रोवर नवदीप सिंह का सिल्वर गोल्ड में तब्दील हुआ।
पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दीप्ति जीवांजी को तेलंगाना सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। 500 वर्ग गज जमीन और ग्रुप 2 सर्विस में 1 पद देने की घोषणा भी की है। पेरिस पैरालंपिक में सिमरन शर्मा ने जीता ब्रॉन्ज। महिला 200 मीटर T12 रेस के फाइनल में दिखाया कमाल, पेरिस में लहराया तिरंगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, भारत ने 7 स्वर्ण पदक समेत 29 मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान। जैवलिन थ्रोवर नवदीप और पैरा एथलीट सिमरन शर्मा के मेडल जीतने के बाद शुभकामनाओं का तांता लगा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई बड़े नेताओं ने की सराहना। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पैरालंपिक विजेताओं को किया सम्मानित, कहा खिलाड़ी अपने लिए ही नहीं जीतते पदक, परिवार और देश का भी बढ़ाते हैं मान। भरतपुर के करौली में बांध से छोड़े गए पानी के बाद कई मार्ग बंद हो गए, ग्रामीणों को सुरक्षित इलाके में जाने के निर्देश। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश से मची आफत, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति पर। जबकि कलबुर्गी में भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित है, लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। इधर नोएडा में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, ग्रेटर नोएडा में गिर गया मकान, मलबे में दबा परिवार। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, प्रदेश के 4 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सेलिब्रिटीज ने खास अंदाज में बप्पा का स्वागत किया है, लालबाग चार राजा का दर्शन करने पहुंचे कार्तिक। इधर दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पत्नी के साथ की घर पर गणपति पूजा। कॉमेडियन भारती सिंह ढोल नगाड़े के साथ बप्पा को लेकर आई घर, खुशी का किया इजहार। उज्जैन में भगवान गणेश चतुर्थी के अवसर पर चिंतामन गणेश मंदिर में उड़ी भक्तों की भारी भीड़, तस्वीरों में देखा अद्भुत नजारा। उन्नाव में दबंगों ने फर्स्ट ईयर के छात्र को स्कूल में घुसकर पीटा, हमले में छात्र गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है, बदमाशों पर हुआ मुकदमा दर्ज। समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बकाया दिहाड़ी मांगने पर युवक को खंभे से बांधकर पीटने का मामला, सिर मुंडवाया, पिटाई के कारण युवक गंभीर तौर पर जख्मी है। बिहार सिवान में ट्रेनी आईएएस की गाड़ी से धक्का लगने से हुई बच्ची की मौत, हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, एसपी सारण ने ट्रेनी आईएएस की मौजूदगी की पुष्टि की। बेगूसराय में ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्री की हुई मौत, परिजनों का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं मिला इलाज, टीटी और रेलवे विभाग को थी हादसे की जानकारी। बेगूसराय में 10 साल के मासूम का एक युवक ने सर धड़ से अलग कर दिया, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा, हत्यारे को किया पुलिस के हवाले। इधर गुजरात अहमदाबाद में रात को शराब के नशे में अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, हाथ में तलवार लेकर घूम रहे थे बदमाश, 100 मीटर दूर पर ही पेट्रोलिंग करती दिखी पुलिस। प्रयागराज में बीजेपी नेता पर लगा बुलडोजर चलवाकर जमीन कब्जा करने का आरोप, नेता समेत अन्य 30 पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने बुलडोजर किया जब्त। धौलपुर में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सरी बाजार अपने साथियों के साथ मिलकर हत्यारे निदिए थे वारदात को अंजाम, हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गोंडा में भूमाफिया के बेशकीमती 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर, गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी सिटी। वहीं हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के दिन आग लगने से जला पंडाल, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। चंदौली में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट, वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में गाय चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए तस्कर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। बाराबंकी से विधायक सुरेश यादव का भाई धर्मेंद्र यादव हुए गिरफ्तार, विवाद की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। उधम सिंह नगर में केंद्रीय वन विभाग और वन तस्करों के बीच एनकाउंटर, कैमरे में कैद हुई लाइव वीडियो। उत्तरकाशी के हर्षिल में एक मकान में भीषण आग, सेना की मुस्तैदी से ठला बड़ा अग्निकांड। तेलंगाना के मेडचल में एक पेंट फैक्ट्री में लग गई आग, राहत कर्मी मौके पर पहुंचे, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। रतलाम में गणेशोत्सव के जुलूस के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जांच में जुटी है पुलिस। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, विजयवाड़ा में प्रभावित परिवारों को बांटे कंबल और चटाई जैसे आवश्यक चीजें। रेप केस में मलयालम एक्टर मुकेश और बाबू को जमानत, केरल कोर्ट ने कहा अगर ये रेप होता तो पैसों की मांग नहीं की जाती। मलयालम अभिनेता विनायकन को शमशाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने का इन पर आरोप।
सलमान खान फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई से अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस। घटना को बीत चुके 5 महीने। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण एचएन रिलायंस हॉस्पिटल पहुंची, इसी महीने डिलीवरी की डेट। रणवीर भी साथ नजर आए। थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस हिना खान का खाते वक्त भी दर्द का करना पड़ रहा है सामना। मिठारी कांड पर बन रही फिल्म सेक्टर 36 को लेकर सामने आया किस्सा। विक्रांत मैसी की पत्नी ने कहा फिल्म के पोस्टर में विक्रांत को पहचान नहीं पाई। इमरजेंसी नई इंदिरा गांधी पर विद्या की सीरीज भी सालों से लटकी है। कंगना रनौत की फिल्म के साथ साथ विद्या बालन का प्रोजेक्ट भी सालों से अटका है। अक्षय कुमार ने शेयर किया एमनेस्टी पोस्टर, बर्थडे पर करने जा रहे हैं बड़ा ऐलान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं पसंद आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का पहला कट। नवाजुद्दीन का पहला रिएक्शन था ये क्या बना दिया यार।